हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बी. दिस इज अमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पार्ट 11 ऑफ आवर ऑनगोइंग आरबीआई ग्रेड बी 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 300 सीरीज. लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन. टिल द टाइम यू आर इन द कंफर्ट जोन, नथिंग गुड विल बी हैपनिंग. तो जहाँ पे भी आपको अनकंफर्ट लग रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वहीं से आपका ग्रोथ शुरू हो रहा है. सो सम पीपल आर अनकंफर्टेबल डूइंग क्वांट्स, अनकंफर्टेबल डूइंग रीजनिंग. किसी किसी को जियो रिवाइज करना में अनकंफर्टेबल फील होता है, बट आपको वही अनकंफर्ट में जाना है, देन ओनली योर ग्रोथ विल बिगिन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड इट इज हाई टाइम टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस फैक्ट दैट कुछ भी अनकंफर्टेबल लग रहा है उसको छोड़ो मत, उसके अंदर जाओ, उसको सीखो एंड बाहर आके यू विल अचीव एक्सीलेंस. इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एज ऑन ऑगस्ट 2024 हाउ मेनी पीएम जनधन अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड अंडर पीएम जनधन योजना. तो इट इज आस्किंग अबाउट द नंबर्स. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी आ चुका है. अभी एग्जाम से रिसेंट पहले अगर ऐसे कोई डेटा या फैक्ट्स आ जाते हैं तो दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. द आंसर इज 52.81 करोर्स. एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है बिकॉज जनधन अकाउंट, जनधन योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जेडीवाई जो है ये फिनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड बहुत ही बड़ा स्कीम है. तो यू नीड टू बी वेरी थॉरो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. 52.81 करोर्स. Which organization signed a 200 million loan agreement with the Indian government for solid waste management in 100 cities? तो देखिए, यहाँ पे भी जब भी हम लोन एग्रीमेंट काइंड ऑफ न्यूज पे आ जाते हैं तो इसमें आपको कैसे याद रखना है. तो फर्स्ट थिंग इज विच टू बॉडीज मेड द एग्रीमेंट. ठीक है, कौन सी बैंक, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कौन. ठीक है, देन वट इज द अमाउंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड द अमाउंट, यू नीड टू रिमेंबर द अमाउंट एंड वट इज द पर्पज. ठीक है, वट इज द पर्पज. These are the three things you will have to remember. If you are making notes, तो ये इसी तीन parameters पे आप notes बनाओ. अगर आप highlight कर रहे हो BPDA से तो highlight accordingly. तो यहाँ पे the answer is Asian Development Bank. तो यहाँ पे हमने देख लिया Government of India and Asian Development Bank. Amount is 200 million US dollar. Purpose is solid waste management. ठीक है, so this is how the news should go. Okay. Next question, what is the projected average of CPI inflation for India in financial year 24-25 according to the MPC? तो projected CPI inflation पूछा जा रहा है आपको. इससे पहले हमने GDP growth rate का projection भी देखा था. तो MPC में जो ये major figures आते हैं, these figures are very important, very very important. ठीक है, तो projected inflation rate आपको पूछा जा रहा है. Yes, it is 4.5%. ठीक है, you need to understand financial year 24-25 के लिए MPC ने प्रोजेक्ट किया है कि जो इन्फ्लेशन है दैट शुड बी अराउंड 4.5%. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ GST रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स इन फाइनेंशियल ईयर 23-24. जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम्स में दिया गया है उसमें भी GST लगता है, तो उसमें टोटल अमाउंट क्या है. वी आर आस्किंग अबाउट द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. यस, इट इज 8,262 करोर्स ओवर जीएसटी रिसीट्स. हियर इज अ क्वेश्चन, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर कितने परसेंटेज जीएसटी लगता है. व्हाट इज द परसेंटेज जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच सेक्टर एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इन जून 2024. तो देखिए, जब भी एग्जाम से 2-3 महीने पहले का जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का फिगर होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. पहले 2 बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में. सपोज एग्जाम अगस्त में है, आपको जुलाई और जून का फिगर्स पूछे जाते हैं कि भाई इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ क्या हुआ. एक में पूछा गया था कि इनमें से कौन से 8 कोर इंडस्ट्रीज में नहीं है एंड व्हाट इज द परसेंटेज इन द ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, वेटेज कितना है इन टोटल IIP में. तो समर अराउंड 40%. ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Coal production record the highest 14.8% amongst all the sectors in the 8 core industries. Okay. Which entity experienced a significant increase in steel imports from India in the first quarter of financial year 25? So, Government of India data deta hai. First quarter ke data ke hisab se steel import ke bare mein hum baat kar rahe hain. Significant increase hua hai. Kaun si country ke saath hamara steel import? So, we are talking about the first quarter of financial year 25. Yes, the answer is China. ठीक है, तो 40% in volume increase हुआ है चाइना के साथ. ये figure भी आप याद रख लेना. They may ask कि कितने volume, कितना percentage increase हुआ है.
making China the largest import market for Indian steel for the first quarter of financial year 25. तो ये याद रखना है, एक तो भाई 40% इंक्रीज हुआ है एंड इट बिकम्स द लार्जेस्ट इंपोर्ट मार्केट फॉर स्टील. ठीक है, तो ये दीज आर द टू फिगर्स यू हैव टू रिमेंबर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25. तो फर्स्ट क्वार्टर के सारे डेटा आ गए हैं, तो फ्रॉम दोज डेटा ओनली ये क्वेश्चन हैं. तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपको अच्छे से याद रख के जाना है, बिकॉज दीज फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जब भी आते हैं आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये इतना याद कैसे रखूंगा ये वो. अब मैंने आपको बताया ना कि भाई कंफर्ट जोन जहाँ पे खत्म हो रहा है, फैक्ट्स याद रखना इज अनकंफर्टेबल एंड यू विल हैव टू गो थ्रू दिस. ठीक है, तो इसे याद रख लो. 1.36 ट्रिलियन रुपीज. ठीक है, तो फर्स्ट फिस्कल डेफिसिट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इज 1.36 ट्रिलियन रुपीज, व्हिच इज 8.1% ऑफ द फुल ईयर एस्टिमेट. तो ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट. चलिए अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं. माई सिस्टर वॉज बॉर्न 26 ईयर्स आफ्टर माई मदर वॉज बॉर्न एंड आई वॉज बॉर्न 28 ईयर्स आफ्टर माई फादर वॉज बॉर्न. ठीक है, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 32.5 ईयर्स एंड आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ माई सिस्टर विल गेट मैरिड एंड विल लीव द फैमिली, देन द एवरेज बिकम एवरेज ऑफ फैमिली विल बिकम 41 ईयर्स. तो प्रेजेंट ईयर ऑफ मदर पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि प्रेजेंट एज ऑफ माई फैमिली 32.5 ईयर्स, ये एक इक्वेशन बन सकता है. 3 ईयर्स वाला जो 41 बन रहा है ये भी एक इक्वेशन बन सकता है. तो ये दो इक्वेशंस को हमें लाना पड़ेगा. वंस वी गेट दीज टू इक्वेशंस फिर आप सॉल्व करके देन द जर्नी बिकम्स इजियर. चलिए पहले कर लेते हैं मदर एंड फादर. फादर का एज हम ले लेते हैं एक्स, मदर का ले लेते हैं वाई, देन सन, सन का एज हम देख लेंगे. आई वॉज बॉर्न 28 ईयर्स, माई सिस्टर वॉज 26. ओके, एक्स माइनस 28 हो गया सन का एज, डॉटर का एज हो जाएगा वाई माइनस 26. ठीक है, ये चारों का एज हमें मिल गया. अभी क्या करना है, इक्वेशन लगाना है. द प्रेजेंट एज एवरेज एज ऑफ द फैमिली 32.5 ईयर्स, एवरेज एज निकालना है. प्रेजेंट एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 28 प्लस वाई माइनस 26 इज इक्वल टू 32.5 इंटू 4 दैट इज 130. ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लो. तो इसे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 92. ठीक है, ये हो गया हमारा वन फर्स्ट इक्वेशन. ये हमने देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ माई सिस्टर विल गेट मैरिड. 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उसमें तीन तीन ऐड कर देना है हमें. एक्स प्लस 3 प्लस वाई प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 25. सन का करेंगे, डॉटर इज गेटिंग मैरिड, उसको अभी इंक्लूड नहीं करना है. तो दिस इज 41 इंटू 3 दैट इज 123. इसको आप सॉल्व कर जाओगे तो मिलेगा आपको कितना, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 142. ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. दो इक्वेशंस हो गया. नाउ द टास्क बिकम्स वेरी इजी. इसे आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग y इज इक्वल टू 42 ईयर्स. ठीक है, 42 ईयर्स. तो सॉल्व, यू नो, गेटिंग टू दिस दीज टू इक्वेशंस इज द मेजर टास्क. ये दो इक्वेशंस आपको मिल गया तो आसानी से ये हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. देन कौन से स्टेटमेंट इम्प्लिसिट है, स्टेटमेंट अजम्पशंस 1 एंड अजम्पशन 2 हमें चेक करना है. If you ask me about the daunting challenges that I face, I would say that my government's first priority is to improve the existing law and order situation. Then follows the issue of prices of commodities. Mr. Roy, a newly appointed PM of country Clinton. So, isme assumptions kya hai? The first assumption is, if a citizen of a country Clinton can sleep peacefully, he or she can then think of providing food to his family, ponder over education and move about freely in the country. Assumption 2 is, prices of the commodities affect the common man greatly. चलिए इसमें देखते हैं कौन सा इस स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट है. इम्प्लिसिट मतलब इट इज देयर इन द स्टेटमेंट, इम्प्लिसिट है. ठीक है, इफ ए सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन स्लीप पीसफुली, देन ये बोल रहा है कि भाई अगर सिटीजन पीसफुली सो रहा है उसके बाद ही वो अपना फूड और उसके बारे में सोचेगा. बट नो वेयर इन द यू नो स्टेटमेंट ये लिखा गया है या बोला गया है. राइट, वो बोले हैं कि भाई उनके हिसाब से द प्रायोरिटी इज दैट, यू नो मिस्टर रॉय के हिसाब से प्रायोरिटी इज दैट. So, it is not implicit. Prices of the commodities affect the common man greatly.
अगेन उनका प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमने देखा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर है, सेकेंड प्रायोरिटी पे कॉमोडिटीज आ रहा है, हैड इट बीन ग्रेटली तो उनके प्रायोरिटी में आ जाता है, एंड अगेन इट इज द पर्सनल अजम्पशन, तो अगेन इट इज ऑल्सो नॉट इम्प्लिसिट देयर। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर तो हम इस पे सोचते हैं कि हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी में लॉ एंड ऑर्डर है, तो इट मे बी कि भाई अजम्पशन सही हो पाता, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द कमोडिटीज प्राइस, तो इट इज ऑन द सेकेंड प्रायोरिटी और लेटर प्रायोरिटी, तो दीज टू अजम्पशंस आर नॉट इम्प्लिसिट। ठीक है, सो डी शुड बी द आंसर हियर इफ नीदर वन और टू इज इम्प्लिसिट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इन आपको बताना है इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो फोर वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, तो आपको एक्सचेंज करके बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही हो रहा है। ठीक है, कॉन्ग्रीगेटिंग टू कंसर्न्स रिगार्डिंग चूज ऑफ फूड वाटर एज वेल एज वोइंग इन लार्ज नंबर्स अथॉरिटी सेड दैट द सम स्कूल्स माइट, देखो पढ़ ये एक बार पढ़ के पता लग रहा है कि ए बी सी डी बोथ आर नॉट इन प्लेस। ठीक है, ये दोनों ही प्लेस में नहीं है, तो हमें क्या करना है, चारों को ही चेज करना है, सॉरी चारों ही प्लेस में नहीं है तो चारों को चेज करना है। ठीक है, डीज टू कंसर्न्स रिगार्डिंग, यस दिस कुड बी सी ओइंग टू कंसर्न्स रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ फूड, हो गया अपना ए सी बी डी, ओइंग टू कंसर्न्स रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ फूड एंड वाटर एज वेल एज कॉन्ग्रीगेटिंग इन लार्ज नंबर्स द अथॉरिटीज सेड दैट सम स्कूल्स माइट चूज टू कीप देयर कैंटीन शट एंड एनकरेज चिल्ड्रेन टू ब्रिंग फूड वाटर फ्रॉम होम, तो ए सी राइट, ए सी एंड बी डी इज द सी इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यू नो इसका सोल्यूशन निकालना है, फर्स्ट यू रीड द होल सेंटेंस, तो आपको लगेगा कि कौन कौन से पार्ट्स में एरर हो सकता है, इफ यू फील कि चारों एरर्स हैं तो आप उसी तरह से प्रोसीड करना है, अगर आपको लगेगा कि नहीं दो सही लग रहे हैं दो गलत लग रहे हैं तो गलत से प्रोसीड करो, देन चेक कि वो सही अपने जगह प्लेस्ड है कि नहीं, दिस वे यू नो थिंग्स विल बी स्मूथर फॉर यू एंड क्विकर फॉर यू। सो दिस इज इट फॉर टुडे, तो आपको ये आंसर में बताना होगा कि वो जो मैंने क्वेश्चन में पूछा हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम कितना परसेंटेज जीएसटी लगता है, तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल, प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम भी, कोई भी क्वेरी है hello@iexambhi.com पे आप हमें मेल करना, दिस इज अमित साइनिंग आउट।